Hello everyone, I'm Suparna Shri and you're watching Jagran English. Today we have a very special guest with us. He is none other than the Kargil War hero, Captain Akhilesh Saxena. Hello sir. Hello. Jai Hind. Jai Hind. So the first question that comes is, what is your message to the youth on this Independence Day? So my message to youth is, freedom is really not free. Dekhe, hum इस जो आज हम स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं और हमें लगता है ये आज़ादी फ्री है क्योंकि हम सब एक आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, इस आज़ादी के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में और आज भी इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, आज भी इस चीज़ के लिए कि हर भारतीय अपने घर में आराम से सो सके और उसके मन में विश्वास हो कि उसका देश सुरक्षित है, आज भी हजारों जवान सियाचिन और दूसरी पहाड़ियों पे खड़े होकर अपना ब्लड और अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो आज़ादी है उसको बनाए रखने की, उसको पाने की एक कीमत थी और उसको बनाए रखने की एक कीमत है। तो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट किसी भी स्थिति में, आप कुछ भी काम कर रहे हो। Sir, we would like to know, how was your experience of the Kargil War? So, Kargil was one of the most difficult war which India has ever faced. It was most difficult because in all other wars, we were at equal plane. Enemy and us were equal. But is ladai mein, Kargil ki ladai mein, dushman ne dhoke se sari pahadiya aapki Leh Ladakh se leke Siachen, जो भी उसके बीच में रोड जाती है उसके ऊपर की जो पहाड़ियाँ थी उन सबको धोखे से कैप्चर कर लिया था। और पहाड़ों की लड़ाई में जो ऊपर बैठा है वो 20 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। आप सोचिए, वो पत्थर भी फेंकेगा तो कैजुअल्टी होगी। उस टेरेन में टेम्परेचर -18 से -28 डिग्री सेंटीग्रेड था, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। और एनिमी को पता था कि भारतीय फौजें इसी रास्ते से आएंगी, तो उन्होंने चारों तरफ माइंस लगा रखी थी। जब हम लोगों ने अनुमान लगाया तो हमारे जीत के चांसेस 1% भी नहीं थे, लेकिन भारतीय फौज ने एक वीरता दिखाते हुए एक एग्जाम्पल जो पूरे दुनिया के सामने सेट किया कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, हम जब हमारी मातृभूमि की रक्षा की बात आती है, जब तिरंगे के सम्मान की बात आती है, तो हम विपरीत परिस्थितियों में हम हर तरीके से अपना झंडा वहाँ फहरा के रहेंगे। इनफैक्ट ये लड़ाई इतनी डिफ़िकल्ट थी, जब हम लोग टोलोलिंग की लड़ाई के लिए जा रहे थे तो हम सब ने अपनी फैमिली को लास्ट लेटर लिखा था, और वो लास्ट लेटर तब लिखा जाता है जब हम एक ऐसे मिशन के लिए जा रहे हैं जहाँ से हमें लगता है कि शायद हमारे जिंदा आने के चांसेस बहुत कम हैं, और हम एक प्रण लेके जा रहे हैं, हम केसरिया बाना पहन के जा रहे हैं कि या तो हम जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे। How the conflict between India and Pakistan can be solved according to you? So, this is a very interesting question, right? How can we have already fought 3 war, how can we, you know, avoid other war? देखिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी even आपके पड़ोसी होता है, आपका नेवर होता है, आपके संबंध तभी अच्छे बन सकते हैं अगर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट तभी बनता है जब आप दूसरे की पीठ में पीछे से छुरा नहीं घोंपते। मैं आपको कारगिल की बात बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को शांति प्रस्ताव रखा गया और वो लाहौर बस सर्विस चली गई। वो लाहौर में जब उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा था, उनको गले लगाया जा रहा था, तब पीछे से पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के पीठ में छुरा घोंप रही थी और कारगिल की प्लानिंग कर रही थी। आप एक तरफ से छुरा घोंप रहे हो पीछे से और दूसरी तरफ से आप शांति वार्ता कर रहे हो, तो ऐसी वार्ता का कोई फायदा नहीं है। और इस देश ने, पाकिस्तान ने बार बार ये किया है, तो हमें सावधान भी रहना होगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वो शांति वार्ता के लिए आ रहा है, क्या उसके इरादे सही में नेक हैं या फिर वो कारगिल को रिपीट करने के लिए कोई योजना बना रहा है। तो ये तभी संभव है दोनों के बीच में जब हम, पाकिस्तान आगे आए, आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करें और एक ट्रस्ट बनाए जिससे हम सही दोनों देश एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह सके। वेरी ट्रू सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम फॉर अस सर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद एवरीवन। स्टे ट्यून्ड टू जागरण इंग्लिश फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स।